नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देखो इंफोसिस लिमिटेड शेयर का जो प्राइस है वो एकदम अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के इधर आ गया है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंफोसिस लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि क्या इस शेयर में यहाँ से एक धमाकेदार तेज़ी आ सकती है या फिर कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी। इस शेयर को क्या अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर हमें इस शेयर में अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, और अंत में देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात आती है इस शेयर में रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, इस शेयर में जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 1474 का लेवल। और दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो दोस्तों, इस शेयर में इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक हमें एक धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली थी। पर दोस्तों, जैसे इस शेयर का प्राइस इस जोन में पहुँचा था, उसके बाद इस शेयर में बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिली थी। और दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आप देखो, इस शेयर में जो ओपनिंग हुई थी वो तो अच्छी ओपनिंग हुई थी, पर इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग है ना ओपनिंग के नीचे दी। इसलिए आज के दिन भी जैसे ही ये शेयर रेजिस्टेंस के इधर पहुँचा, उसके बाद आप देखो इस शेयर में एक रेड बार मतलब बैरिश बार जनरेट हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1474 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर बात आती है दोस्तों इस शेयर में सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, इस शेयर में अभी 1411 रुपीज़ का जोन, मतलब ये वाला जोन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पहले इस शेयर ने इधर रेजिस्टेंस फेस किया था, पर अब यह शेयर इसके ऊपर आ गया है। तो अगर कोई भी गिरावट आती है तो यह शेयर 1411 रुपीज़ के इधर सपोर्ट लेगा। पर दोस्तों, यहां पर जो दूसरा सपोर्ट है इस शेयर में वो है 1315 रुपीस के इधर में, मतलब ये वाला जोन, ये जोन दोस्तों इस शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पर ये शेयर अभी इससे बहुत दूर है, इसलिए अभी इसकी ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस शेयर में अभी मैं दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को लगा चुका हूँ। यहाँ पर आप देखो दोस्तों, इस शेयर में MACD में लगातार पॉजिटिव हिस्टोग्राम जनरेट होते हुए दिखाई दिए हैं, और जो RSI है उसमें भी एक अच्छी उछाल देखने को मिली है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इस शेयर का जो RSI है वो अभी 70 प्लस में आ गया है। तो अगर कभी भी RSI 70 प्लस में जाता है तो वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है। तो दोस्तों, अगर कभी भी RSI ओवरबॉट जोन में जाता है तो उसका यह अर्थ रहता है कि शेयर में हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। पर फिर भी दोस्तों, दोनों टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अगर छोटा करेक्शन आता है तो वो खरीदारी का ही मौका रहेगा। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में कब बाय करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, ये शेयर ये वाले रेजिस्टेंस के इधर आ गया है। तो अगर ये शेयर इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दे देता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो यहाँ से ये शेयर एक बहुत बड़ा धमाका करेगा। पर दोस्तों, अगर ये शेयर इसके ऊपर नहीं जाता तो इस शेयर में हमें वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, मैं इस शेयर में तभी बाय करूँगा जब ये शेयर 1471 के ऊपर जाता है और थोड़ी देर उधर स्टे रहता है, मतलब थोड़ी देर उधर टिक जाता है। उसके बाद दोस्तों, शॉर्ट टर्म में ये शेयर हमें 1600 रुपीज़ तक के टारगेट्स अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर दोस्तों आपको अभी बाय करना लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं कहूंगा अभी बाय मत करो, जब ये शेयर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तभी बाय करो। नहीं तो दोस्तों, अगर गिरावट आती है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, जितनी ज़्यादा गिरावट आएगी उतना अच्छा है, क्योंकि हमें एक खरीदारी करने का एक अच्छा मौका रहेगा। दोस्तों, अगर लेवल्स में कुछ भी चेंज रहेगा तो मैं वापस से एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो था, इस शेयर में कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।